कहानी सुनिएगा, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है छोटा सा होता है घुंगरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं हरियाणा में, आंख का ही पुष्प बोलते हैं, आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब उसमें चाहे सफेद हो चाहे नीला हो चाहे गुलाबी हो जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में ना दिया है ना बाती है ना अगरबत्ती है ना चंदन है ना कपूर है ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है, शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो, 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया, ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किस